जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांडेंट में जो वैकेंसी है आपका यहाँ पे, तो आपका वेरियस ग्रुप सी के लिए पोस्ट है आपका यहाँ पे 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल दी गई है, तो कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। वहीं हेडक्वार्टर में आपका वैकेंसी देख सकते हैं, आपका कुक के लिए 1-3 है, सफाई वाला के लिए 5 है, मैसेंजर के लिए 2 है, वॉशरमैन के लिए 1 है, चौकीदार के लिए 2 है, CSB को लिए 3 है। तो आप आपका टोटल 16 पोस्ट है, आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो आपका कुक के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, वहीं आपको नॉलेज होनी चाहिए ट्रेड के बारे में, ठीक है। वहीं सफाई वाला के लिए आपका 10th मांगा गया है, मैसेंजर के लिए भी 10th मांगा गया है, वहीं वॉशरमैन के लिए 10th, और आपको जो है वॉश मिलिट्री सिविलियर क्लोथ थ्रू बेल, तो आपको जो क्या है अच्छे से कपड़े धोना आना चाहिए। चौकीदार की बात करें तो 10th पास मांगा गया है, CSBU की बात करें तो 10th पास, और आपका जो है हैंडी PVX बोर्ड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका होगा, सबसे पहले होगा मेरिट बेस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है आगे नेक्स्ट प्रोसेस आपका मेडिकल एग्जाम होगा एंड आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो आप कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा आपको जो है अपना कैसे भर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे परफॉर्मा एप्लीकेशन इस तरीके का एप्लीकेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, तो एक पोस्ट यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो आप दो पोस्ट के लिए आवेदन ना करें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसका पूछा रेफरेंस न्यू पेपर, तो न्यूज पेपर यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे डेट डाल देना है किस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो वो डाल देना है। एंड यहाँ पे एज ऑफ ईयर आपको आपको स्टेट में आपका कितना जो है आपको जिस डेट में मांगा गया था कि यहाँ पे डेट आपका दिया हुआ था, तो आपको किस डेट में आपका आप DOV जिस हिसाब से कैलकुलेट मांगा गया है, तो यहाँ पे देखिए DOV कैलकुलेट के लिए आपको ऊपर एज लिमिट जो है दिया हुआ है। तो आपको एज लिमिट आप अपना इस तारीख के हिसाब से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपका 1 अक्टूबर के हिसाब से कर सकते, नवंबर के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप कैसे जो आप देखिए यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना होगा एंड आपको पता किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो आपको डालना होगा। एक्सर्विसमैन है तो वो आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो कर देना। नेशनलिटी इंडियन डाल देना है, रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। वहीं एड्रेस डिटेल आपका यहाँ पर देखिए विलेज है, पोस्ट है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, वो सारी चीज़ आपको फिल करनी होगी। नीचे दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे देखिए एड्रेस है आपका, दो एड्रेस है आपका, परमानेंट कम्युनिकेशन दोनों सेम है तो सेम ही डाल देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी क्या है वो आपको डालना होगा, एंड आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आप देखिए 10th लिख सकते हैं, किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना है, किस बोर्ड से पास किया, परसेंटेज कितना है आपका, अगली मार्क में आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कुछ भी आप अपना दे सकते हो। ये आपका 12th है तो 12th डाल सकते हैं, किस ईयर में पास किया था, किस बोर्ड से पास किया था, कितना परसेंटेज है उसका, कोई डिग्री डिप्लोमा है तो वो भी आप अपना दे सकते हैं। एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डिटेल दे देंगे आपको, यस एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको खाली छोड़ देंगे। अगर एक्सपीरियंस लगाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी देना होगा। वहीं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। एंड डिक्लेरेशन है आपको, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना। डिक्लेरेशन है आपको, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ द सिग्नेचर, तो आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है एंड नीचे आपको अपना नाम जो है डालना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ऑफिस एंड कैंडिडेट कॉपी, एडमिट कार्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, 1 सेल्फ अटेस्टेड रजिस्टर इन्वॉल्व ऑफ ड्यूटी एफएक्स विद एप्रोक्स पोस्टल स्टाम्प, आपका जो है पोस्टल स्टाम्प भी मांगा है, जो आप लिफाफा लगाएंगे तो क्या है आपका पोस्टल स्टाम्प उस पर होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट करके भेजेंगे आपका, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके भेजने, सेल्फ अटेस्ट आधार कार्ड यहाँ पे आपको थंब जो है लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड भी आपको भर के भेजना है, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस डिटेल, आपको फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना होगा।
तो फोटोग्राफ के ऊपर क्रॉस साइन जो है आपको करने होंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए एड्रेस अच्छे से डालना है, क्योंकि आपका जो लेटर आएगा वो इसी एड्रेस पे आएगा। वहीं आपको यहाँ डेट एंड टाइम ये आपको खाली छोड़ देना है, वो वहाँ से आपका भर के आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। तो आपको देखिए ये भी आपका सेम भर के भेजना है, तो आपको फोटोग्राफ आपको अटेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए आपका 10 की मार्कशीट है, 12th की है, ITI है, या आपके आधार कार्ड है, मूल निवास है, जाति है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको नीचे सिग्नेचर अपने करके भेजने होंगे। और आपको लिफाफा भी क्या है स्पीड पोस्ट कराना होगा। यहाँ पे आपको आपको अटेस्ट करा ले, सेफ अटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना नाम फादर्स नेम लिख के आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश एरिया सिग्नल, आप पिन कोड नंबर ये है आपका, तो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। तो यहाँ पे भी आपका देखिए एड्रेस दिया हुआ है, तो आप एड्रेस यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एड्रेस ऊपर ही दिया हुआ है, सबसे पहले पेज पर आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश एरिया साइंस, पिन कोड आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है। फॉर्म में आप अपना एड्रेस डाल देंगे, टू में आपको ये एड्रेस डालना होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।